ए, क्या है? फ्री में खाकर जाना चाहते हो? ये कोई धर्मशाला नहीं है, होटल है, गंगा होटल। पैसा कौन देगा? रेट कितना है बता, रात को आकर दे दूंगा। ए, गंगा को हाथ लगाया तूने? तुझे तो अभी तू इधर ही रुक, आधे घंटे में तुझे बताता हूं। गंगा अरे चाय। वो देखो भाई, वही है। सच में उसी ने मारा क्या? मां कसम भाई, उसी ने मारा है मुझे। बुला कर लाओ। उसे क्यों बुला रहे हैं भाई? ए, राउडीज़म में कमजोरी रखना जितना गलत है, बलवान लोगों को छोड़ना उससे भी बड़ी गलती है। उससे झगड़ा मत करो, गैंग में ले लो, जाओ। ए मेंटल, हमारे बॉस आए हैं, बुला रहे हैं तुझे। एक डील है,
तीन लोगों को किडनैप करना है, एक हफ्ते तक हाइड करना है। करेगा? अच्छे पैसे दूंगा, 5 लाख दूंगा, 10 लाख, 20 लाख, फाइनल ऑप्शन 50 लाख। ये उनके फोटोज हैं, ये अभी एडवांस है, काम होने के बाद फुल पेमेंट। ओके, जब तक काम खत्म नहीं हो जाता मेरे लोग तेरे साथ रहेंगे। ओके, ध्यान रखना। अरमानी, शर्मानी, गणेश। हाँ? गणेश तो एक म्यूजिक डायरेक्टर है ना? इसका इतना सीन नहीं है, वो केरवानी है, द ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर। ये हारमोनियम है। हम अद्भुत ब्यूटी प्रोडक्ट तैयार करते हैं मैडम। जो लड़कियाँ आपकी तरह हरी भरी होती हैं, उनके पतले होने का कारण पता है आपको मैडम? कैसे? ऐसे। हाँ, वैसे आजकल की एक्ट्रेस इतनी फेमस क्यों है आपको पता है? कैसे? इसको इस्तेमाल करके। ओह, सच में? मैडम, बॉलीवुड की पुरानी हीरोइनों से लेकर आज तक की भोजपुरी की हीरोइनें अपनी खूबसूरती के लिए कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करती हैं पता है? हमारा प्रोडक्ट। ओह, सच में? हाँ, आप अगर इसको एक बार इस्तेमाल करना शुरू कर देंगी तो टॉलीवुड डायरेक्टर से लेकर बॉलीवुड डायरेक्टर सभी आपके आगे लाइन लगाकर खड़े हो जाएंगे। ओके, आप लोगों के पास इतना अच्छा प्रोडक्ट है तो आप लोग क्यों नहीं यूज कर रहे हो? इसे कोई तो उठाओ। ये एड्रेस बता सकते हैं क्या? स्ट्रेट जाओगे तो एक सर्कल आएगा, वहां से लेफ्ट ले लेना, वहीं पर होगा। ठीक है, थैंक यू। अरे क्या कर रहा है? अरे छोड़ो मुझे, चल चल। ए, कौन हो तुम लोग? किडनैपर्स। किडनैपर्स? हाँ। इस लड़की को भी किडनैप किया है क्या? ए, ये खा ले। नहीं खाना। ए, तुम लोग नहीं जानते मैं कौन हूँ, मेजर। तुम लोग मुझे नहीं डरा सकते। चलो, okay, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, देखता हूँ क्या कर सकते। ये लो, खा लो। खुश नसीब है तू जो उसने खा लिया। अब बीच में क्या खड़ा है? हाय, अपने हाथों से मसाला पीस कर तेरे लिए मुर्गी बनाकर लाई हूँ। ये सब लोग कौन है? मेरे अंकल हैं। तो फिर वो लड़की? कजिन, मेरी बहन है। शंकर की क्या लगती है बताओ ना। संजू का एक अंकल है। हा? और ये लड़की उस अंकल की ग्रैंड डॉटर है। ओ। और उस लड़की का ये दाढ़ी वाला ब्रदर है। हाँ, तो फिर संजू का सुपर। जितना चाहिए खा लो। कल सुबह क्या चाहिए?
बोलो ना, इडली चाहिए, डोसा चाहिए, उत्तप्पा चाहिए, बताओ ना, गर्मा गर्म ला कर दूंगी, ठीक है ना? बाय बाय बाय। चीट करता है, मुझे चीट करेगा भाई, पेट में बच्चा है, मुझे पता नहीं था। भाई मुझे मार क्यों रहे हो? एक का पैसा देकर दो को किडनैप करवाएगा क्या? अंदर जो बच्चा है उसका पैसा कौन देगा? तेरी माँ देगी या तेरे बाप? ज्यादा होशियारी दिखाएगा मुझसे? क्या हुआ? बोलो। She's unconscious. डॉक्टर के पास लेकर चलते इसे। बेवकूफ, पकड़े जाएंगे भाई, या फिर डॉक्टर को यहाँ पर बुलाओ, फिर भी पकड़े जाएंगे भाई। तेरी वजह। कौन आ रही है? मेरे रूम में डॉक्टर है, वो आ रही है। किसी में अक्कल नाम की चीज है क्या? प्रेग्नेंट लेडी को कोई किडनैप करता है क्या? वो भी क्लोरोफॉर्म देकर? यूज़लेस फेलोस। इस लड़की को अगर कुछ हो गया तो रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, बताओ? तुम लोगे? ये आइडिया किस बंदे का था बताओ? तुम्हारा था क्या? अभी मैं तुम लोगों को बताती हूँ, रुको। फोन दो, फोन दिखाओ। तुम सबसे कह रहा हूँ ध्यान से सुनो, इस लड़की को अगर कुछ हुआ ना तो कोई आज यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। कौन है आप लोग? डोंट वरी। हे यू, पेन और पेपर लेकर आओ। आराम से उठ जाइए, उठिए। हाँ, संभाल के लीजिए मैडम, ये लीजिए। I'm Dr. Parvati. There is nothing to worry about. Parvati, कल से इन अंकल को भी लो बीपी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। आप... हाँ बेटी, लो बीपी की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। I'll give good medicine for you. Okay. Don't worry. भाई, डॉक्टर ने दवाई लिख के दी है। जा ले क्या? ए संजय, पैसा दे।
सर नीचे उतरिए, नीचे उतरिए सर, नहीं कोई आओ बचाओ, नीचे आइए सर। कुमार कर रहे हैं सर, ये क्या कर रहे हैं सर, उतरिए सर, नीचे उतरिए सर, कुमार सर छोड़िए छोड़िए, नीचे उतरिए, आइए आइए, ये क्या कर रहे हैं सर, बैठे सर, आप मर जाने देते सर। मैम क्या करूं, कुमार सर क्या हुआ इसे, क्या बताओ मैडम, मेरी बीबी प्रेग्नेंट है, ऊपर से दो दिन से गुम हो गई। गुम हो गई है तो पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखवाइए, ऐसे आत्महत्या करने से क्या होगा सर। नॉर्थ जोन गया तो वेस्ट जोन, वेस्ट जोन गया तो साउथ जोन भगा रहे हैं, पर दीपा की केस फाइल नहीं कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, दीपा के लापता होने से मेरी सिंसियरिटी लगा रहे हैं वो। अगर मैं मर जाऊंगा तो वो दीपा को छोड़ देंगे। मौत तुम्हारी परेशानी का हल नहीं है कुमार। जाफर को बीच रोड पर चाकू मार दिया, पाताल दृष्टि को फैमिली के साथ गोली मार दिया, गुनहगार मच्छर की तरह आंखों के सामने घूम रहे हैं, और जिस कानून को सजा देनी चाहिए वो तमाशा देख रहा है। मरूं नहीं तो और क्या करूं मैडम, मर जाने दीजिए। युद्ध, रावण के खिलाफ राम ने युद्ध किया था किस लिए, कौरवों के खिलाफ पांडवों ने युद्ध किया था किस लिए? इंसाफ अपने आप कभी नहीं मिलता है कुमार, न्याय को जीतना हो तो अन्याय से लड़ना पड़ता है। तुम जिंदा रहोगे तो ड्यूटी करोगे, अगर तुम काम नहीं करोगे तो तुम्हारे बच्चे और इस भारत देश को कौन बचाएगा, कौन रक्षा करेगा इस देश की, बताओ तो। वी ऑल आर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, हमारी तनख्वाह सिर्फ परिवार के लिए है, हमारी जिंदगी देश के लिए है, अन्याय के खिलाफ लड़ना होगा। दीपा को कुछ नहीं होगा, फोटो और डिटेल्स दे दो, मेरा बेटा देख लेगा। नमस्ते मैडम। नमस्ते। जीते रहो। कैसे? अच्छा हूँ माँ, आप कैसी हैं? कैसी है? वो अच्छी है। कैसी हो बेटी? प्रणाम आंटी। ब्लेस यू बेटा। क्यों बेटी, घर कैसा है? घर तो बहुत अच्छा है आंटी, लेकिन इतना सारा सामान पैक करने में टेंशन हो जाती है, इनका 10 बार ट्रांसफर हो चुका है। डोंट वरी, मेरा बेटा ईमानदारी से पूरा इंडिया दिखाएगा। ट्रांसफर पर ट्रांसफर हो रहा है इसलिए ऐसा लग रहा है। आई मैम बैठिए। आओ बेटे। अब बताओ। मैंने जिस केस के बारे में बात की थी उसकी डिटेल्स। मैं देख लूंगा। ठीक है फिर, मैं चलती हूँ। ठीक है माँ। ओके बेटी। आंटी बाय बोलो। बाय। रुको, तुम खुद तो किडनैप हो गई और साथ में मुझे भी किडनैप करवा लिया। आज तो तुम गई काम से, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्ही तो हमेशा कहती रहती थी ना, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। मेरा कोटेशन मुझे ही दे रही है तेरी तो। इसकी बहन है। तो फिर वो लड़की कौन है? वो मेरी बहन है। ये मेरी फ्रेंड पार्वती। फ्रेंड है, बहन है, फ्रेंड बहन है, बहन है फ्रेंड। फिकर मत करो, वो मेरी सिस्टर है। अच्छा,
सच सच बताओ, वो तुम्हारे भैया ही है ना? इसकी बहन है। हाँ, अब समझ में आ गया। ये लड़की तुम्हारी बहन है। तुम्हारी बहन से मिलने आई ये लड़की डॉक्टर है। हाँ। और डॉक्टर की वो लड़की फ्रेंड है। ये लड़की इस अंकल की ग्रैंड डॉटर है। यही बात है ना? इतना ही ना? तुम्हारा कोई संबंध नहीं है ना? तुम्हारा अगर कोई रिश्ता नहीं है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। ये टिफिन खा लीजिए। उस लड़की के लिए मैं जूस लेकर आती हूँ, ठीक है ना? बाय बाय। क्या देखना है? हाँ, क्या देखना है? जख्म। जख्म जो मिट जाए वैसा जख्म नहीं है। ये लफंगा वही लड़का है, ऐसा डाउट नहीं। मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, छोड़ूंगी नहीं इसे। तुम बचपन से उससे प्यार करती हो या उस पे गुस्सा करती हो, बताओ जरा। हाँ बोलो। ऐसे इडियट से कोई प्यार करता है क्या बुद्धू? मोस्ट ऑफ दी गर्ल्स ऐसे ही इडियट से पट जाती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। रात को नहीं दिख रहा है कह रही थी, अभी भी नहीं दिख रहा है। देखो किसी तरह से तो देखना ही पड़ेगा। कैसे देखूं? लेकिन कैसे देखूं? अरे यार मिस हो गया। छी, अब देखना। ठंड लग रही मुझे। ला 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 ला। तुम्हें ऐसे देखकर मेरे होश ही उड़ जाएंगे। क्या है ये सब? ठंड लग रही थी इसलिए लूंगी दे दी। तो क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही है? बताओ ना। बोलिए। केस हियरिंग तक पहुंच चुका है। डॉक्टर ने जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दी थी मैंने सबमिट कर दी है, पर अपोजिशन वालों ने दूसरी सबमिट की है। हमने जो दिया है वो ओरिजिनल है। मुझे पता है न, पर कोर्ट को तो सबूत चाहिए। मरने वालों को वापस लाना कैसे मुमकिन है? इसीलिए तो कोर्ट ने बाकी गवाहों को दोबारा रिकॉर्ड करने के लिए कहा है। डॉक्टर सुशील, वार्डन विनय झांसी, लैब असिस्टेंट कुमार, इन तीनों को कल सुबह कोर्ट आना होगा। ये आएंगे तभी हम केस जीतेंगे। ये आ जाएंगे ना? ठीक है, ले आऊंगी। गुड सर। ये लीजिए सर,
इतनी बड़ी सिटी में बिना क्लू के किडनैपर्स को पकड़ना बड़ी मुश्किल है ना सर? किडनैपर फिल्म और सीरियल देखकर अपडेट हो रहे हैं, लेकिन हम अपडेट नहीं हो रहे। कैसे चलेगा रविंद्र, तुम ही बताओ किडनैप क्यों किया होगा? वो लोग ब्लैकमेल करके डराकर कोर्ट में उनके फेवर में गवाही देने के लिए सर। किसे? बॉस। क्लू काफी होगा या सबूत भी चाहिए? छोड़ देते हैं सर, ये केस ही छोड़ देते हैं, क्योंकि पॉलिटिकली फाइनेंशियली वो बहुत स्ट्रांग है सर, किसी को नहीं छोड़ते हैं सर, मार डालते हैं। न्यू टाउन में मर्डर हुआ, जाफर नाम का एक जर्नलिस्ट था। हम लफड़े में नहीं पड़ेंगे सर, प्रेस वाले खामोश बैठे हैं। कल की ही बात है, टू टाउन में डॉक्टर को फैमिली के साथ मार डाले, किसी को नहीं छोड़ते हैं सर। वही डर मुझे भी है रविंद्र, जिस समाज में आज हम जीने से डर रहे हैं, कल उसी समाज में हमारे बच्चों को जीना है, इसे छोड़ दें क्या? ठीक है सर, मैं कुछ भी कहूंगा आप मेरी बात नहीं मानेंगे, आपकी बात सही है सर। मेजर को ब्लड प्रेशर है, इसके अलावा लो बीपी भी है, मेडिसिन का इस्तेमाल करना ही होगा। दीपा प्रेग्नेंट है, एंटीबायोटिक्स, एलर्जी मेडिसिन, आयरन, कैल्शियम, ये सब तो चाहिए ही होगा। ये सब बिना प्रेस्क्रिप्शन के कंपलसरी मेडिकल शॉप पे आएंगे सर। कम ऑन, लेट्स बिगिन द इन्वेस्टिगेशन। ओके सर। जाके देखो सर, यही है मेडिकल शॉप। यहाँ कोई बिना प्रेस्क्रिप्शन के मेडिसिन खरीदने आया था क्या? नहीं सर। ओके सर। कुमार के घर ले चलो। ओके मैडम। लेट्स मूव। सर, अगर हम दोनों पूरे महीने घूमे ना तो शहर के पूरे मेडिकल को कवर नहीं कर सकते। अब हमें घूमने की जरूरत नहीं है रविंद्र, इन्फॉर्मेशन खुद आएगी। कैसे सर? केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट व्हाट्सएप एसोसिएशन को मैंने मैसेज दे दिया है। डायबिटीज, बीपी और प्रेगनेंसी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्रिप्शन के बिना कोई खरीदेगा तो मैसेज हमें मिल जाएगा। वाह, सुपर आइडिया है सर। वनजाक्षी मैडम का घर पता है? यस मैडम। रविंद्र, गाड़ी जरा लेफ्ट में रुको। किडनैपर्स कहाँ है ये पता चल गया है। सर, वो बॉस किसी को नहीं छोड़ेगा सर, प्लीज सर मेरी बात मानिए सर, हम लोग बीवी बच्चे वाले हैं सर, एक बार सोच लीजिए। हमारे पास जब अधिकार हैं तो हमें फैमिली के बारे में नहीं सोचना चाहिए, सोसाइटी के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है सर। जो किडनैप हुए हैं वो हमारी तरह गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उन्होंने फाइट किया वो अपनी फैमिली के लिए नहीं, सोसाइटी के लिए। गवर्नमेंट हमें तनख्वाह इसलिए नहीं देती कि हम गुंडे मवालियों को सैल्यूट करें, भारत माता को सैल्यूट करने के लिए देती है। गाड़ी निकालो सर। हेलो अजय। विक्टिम और विटनेस सब लापता हो चुके हैं। नथिंग टू वरी माँ, किडनैपर्स कहाँ हैं लोकेशन ट्रेस हो गया है। गिव मी वन आवर, उन सबको तुम्हारे सामने खड़ा कर दूंगा। कीप मी अपडेटेड, गुड लक टू यू। ओके। हाँ यही बिल्डिंग है, रोक दो। ओके मैडम।
हेलो, हुज दिस? बुड्ढा बसी रेडी, बॉस ऑफ द बॉस. सक्सेस इज ऑलवेज माय शैडो. तुम चाहे घर के कितने भी चक्कर लगा लो, कोई नहीं मिलेगा. क्योंकि सब लोग अभी मेरे पीछे ही बैठे हैं, मेरे पास हैं. अगर तुम्हें अपनी जीत पर भरोसा है तो अभी इनको यहाँ से लेकर जाओ. बॉस कंपनी लेकर चलो. निर्मला शर्मा, आफ्टर ऑल अ सिंगल वुमन, तुम्हारी फैमिली है. सिर्फ इतना ही नहीं, तुम पर आश्रित कई लोग हैं. थिंक अबाउट दैट. अगर वो लोग तुमको जिंदा चाहिए तो सत्यवर्धन को फॉलो करो. निर्मला शर्मा को फॉलो करने के लिए कहोगे तो साहू तुम्हें फॉलो करेगा. दैट इज लास्ट ऑप्शन ऑफ लाइफ. चॉइस इज योर्स. वेलकम वेलकम मिसेस शर्मा. आपकी आंखों में डर नहीं है, चाल में भय भी नहीं है. व्हाट अ कॉन्फिडेंस. हैट्स ऑफ. मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करती हूँ जो तुम्हें देखकर डर जाऊंगी. मैं गवर्नमेंट के लिए काम करती हूँ. यह हिम्मत अधिकार की वजह से है क्या? वो मेरे पैरों की चप्पल की तरह है, कुचल दूंगा. निर्मला शर्मा जी, अधिकारी खुद नहीं चलते हैं, उनको चलाने के लिए होते हैं बॉस. जिंदगी में तुम जैसे लोगों से निपटने के लिए ही ऊपर वाले ने मुझे बेटा दिया है, और वही मेरी हिम्मत है, और वही मेरी एकलौती सेना है. टोटल डिपार्टमेंट मेरे कंट्रोल में है, तो तुम्हारा बेटा क्या चीज है? जस्ट एसीपी. अगर मैं चाहूं तो अभी उसे अपनी कंपनी के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दे दूं. रियली? डू यू नो हु इज माय सन? वेट, ये है मेरा बेटा. He is my son. तेरा बेटा बहुत बड़ी गलती कर रहा है. जहाँ से शुरू किया है उसे वहीं पर रोक दो, वरना उसका सर कलम करके रख दूंगा. तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है. उसके साथ दुआ है, उसे कोई टच भी नहीं कर सकता. Hey, साहू, कितने लोगों को चाहो भेज दो, लेकिन वो मिस नहीं होना चाहिए. मरने से पहले उसकी चीख मुझे सुनाई देनी चाहिए. गणेश, उन सबको मार दो. ठीक है भाई. सब अंदर जाओ. हाँ. चलो चलते हैं, आ जाओ. इसकी हालत खराब है. Oh!
हाँ, सबको टपका दिया। ए, कौन बोल रहा है बे तू? शंकर, वार्निंग नहीं चाहिए। आई एम वेटिंग। सुपर फैंटास्टिक, ये हुई ना बात। नेक्स्ट जनरेशन याद रखेगा ऐसा मारा तूने। सर, उन्होंने जो सुनाया वो स्टोरी नहीं है, लाइफ है। आप ऐसे इनकरेज करेंगे तो कैसे चलेगा सर? इन्फॉर्मेशन निकालिए सर। मतलब तू उनको बचाने के लिए किडनैपर बना था, यही बात है ना? जरूरत पड़ने पर भगवान को भी अवतार लेना पड़ा था, उसके आगे मैं क्या चीज हूं। यू आर अंडर अरेस्ट। शंकर, तू है? जाके डोर ओपन कर। यस सर। इसके पीछे तेरा हाथ होगा मैंने सोचा नहीं था। बचपन से वेट कर रहा हूँ, अब पकड़ में आया है तू। मतलब कि तुम अजय हो? नहीं, एसीपी अजय शर्मा। स्कूल में जब चोर पुलिस का खेल खेलते थे, तुम चोर और ये पुलिस बनता था। तुम दोनों ने मिलकर मेरे कितने सारे चॉकलेट और लॉलीपॉप खाए थे, याद है ना पार्वती? बचपन में चोर पुलिस के खेल में इसने मुझे कभी पुलिस बनने नहीं दिया। हा? इसी गुस्से में मैं पुलिस बना। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। ओके, तुम लोग डरना मत, कोर्ट केस खत्म होने तक मैं तुम लोगों को प्रोटेक्शन दूंगा। हे, इसे ले चलो। तू बॉस का आदमी नहीं है, तूने किडनैप भी नहीं किया, तो फिर तुझे क्यों अरेस्ट किया? अगर अरेस्ट किया भी तो तुमने सामने से पूछा क्यों नहीं? पूछने का राइट तुम्हारे पास है। राइट राइट पापा भी अक्सर यही कहते थे। क्या चाहिए मैडम? डिफरेंस चाहिए, ऐसा कहा है उन्होंने? मैं किसी को नहीं जानता हूँ मैडम। पेरेंट्स होते हैं ना? नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। पीटी क्लास अब तक नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ मैडम, बुलाऊं क्या? हाँ, बुलाओ। नमस्ते, नमस्ते आंटी। नमस्ते नमस्ते। आज से पहले आपको कभी देखा नहीं है मैंने। कॉलोनी में नए आए हो? हाँ जी, हम अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराने आए हैं यहाँ पे। हम नॉन लोकल है ना, इसलिए वो सीट नहीं दे रहे। उन्होंने बोला कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय का रेफरेंस ले आओ तो सीट मिल जाएगी। अच्छा, मेरे पति फूड सेफ्टी ऑफिसर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तुम्हें स्कूल पसंद आया? यस। रेफरेंस मैं दे दूंगा, अच्छे से पढ़ना। थैंक यू सर। पापा पापा, मुझे फुटबॉल नहीं खेलने दे रहे वो लोग। देखो बेटे, फीस तुम भी भर रहे हो, खेलने का हक जितना उनको है उतना ही खेलने का हक तुम्हें भी है। नीचे गिर गए तो फिर मिट्टी में मिल जाओगे तुम, और उठकर खड़े हो गए तो इतिहास लिखा जाएगा। राइट के लिए फाइट करनी पड़ती है। आज से ये भी लोग हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, साथ में खेलने के लिए ले जाओ इन्हें। सर, आप उसे फाइट करने को कह रहे हैं? छोटी छोटी मुश्किलों से डरकर सुसाइड करने वालों को बहुत देखा है हमने। उसकी वजह है पेरेंट्स। पेरेंट्स सॉल्व करेंगे तो बच्चों की समस्या माँ बाप की समस्या ही बनकर ही रह जाएगी। जब फाइट करना शुरू कर देंगे तो समस्या सॉल्व करना आ जाएगा। Yes, come in. नमस्ते शर्मा जी। नमस्कार नमस्कार, बैठिए। सर, मेरा नाम धनंजय है, अतिथि रेस्टोरेंट का ओनर हूँ। हाँ, ये स्वीट्स और क्रेकर लो बेटा। सर,
आपके स्टाफ ने मेरे रेस्टोरेंट को सीज कर दिया है। त्योहार आ रहा है, अगर आप एनओसी दे देंगे तो मेरे लिए लाभ होगा और आपके लिए शुभ होगा। त्योहार का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को भी खरीद लो, ये बुराई को जीतना होता है। धनंजय जी, आप पर भरोसा करके लोग आपके रेस्टोरेंट में आते हैं। गंदी जगह पर अगर आप खाना बनाएंगे तो खाने वालों के स्वास्थ्य का क्या होगा? भले ही हमारे रूल्स को अहमियत मत दीजिए आप। 25 इयर्स बैक अतिथि देवो भव नाम के रेस्टोरेंट को शुरू करने वाले अपने पिताजी की ख्वाहिशों को सम्मान दीजिए। इन पैसों से रेनोवेशन कराइए, एनओसी मैं दूंगा, फैमिली के साथ आपके रेस्टोरेंट में आकर खाना भी खाऊंगा। थैंक यू सर, चलता हूँ। अंकल क्रैकर्स के पैसे लीजिए, ये लीजिए। गुड बाय। पापा पापा, रावण के 10 सर क्यों होते हैं पापा? देखो बेटे, क्रोधित होना, काम, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, आलस्य, ये सब निर्लक्ष का प्रतीक है। पापा पापा, तो फिर एक सर वाले राम से 10 सर वाले रावण आसुर राम से कैसे हार गए, बताइए ना पापा प्लीज। हाय चिंटू, कम 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 कम, गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। आपके सामने बड़ा मासूम बनता है पर मेरी तो एक बात नहीं सुनता ये। अपनी जिंदगी का बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट टीचर माँ होती है। माँ जो भी कुछ कहती है वो हमारे सक्सेस के लिए कहती है। जब तक माँ है तब तक हम हैं, पर जब तक हम रहेंगे तब तक माँ नहीं रहेगी। इसलिए हमसे प्यार करने वाली माँ का ख्याल अच्छे से रखना चाहिए। प्रॉमिस? प्रॉमिस। गुड बाय। माँ अगर मंदिर होती है तो बाप अपने कंधों पर बोझ उठाने वाला, अपना दर्द अपने अंदर छुपा कर रखने वाला होता है। इसलिए मेरे पापा मेरी इंस्पिरेशन है। आई लव माई डैड। पर उस दिन मेरे पापा मुझे स्कूल छोड़ने के बाद कभी लौट कर नहीं आए। पापा की सिंसेरिटी समझने वाली गवर्नमेंट ने माँ को उसी डिपार्टमेंट में नौकरी दी। वो तो नहीं आई है, पर आपकी समझदारी कहाँ गई? उनके ऊपर तो बॉस कहाँ थे? ये क्या है, ऑफिस ओपन करके आधा घंटा बीत गया, इसका बाप अब तक एनओसी लेकर नहीं आया। बेटी से प्यार नहीं करता है क्या, या फिर तेरे डर से खत्म हो गया? What happened? उस दिन प्रोविजन का ऑर्डर दिया था। ओके। कल मेरी फैक्ट्री को सीज कर दिया, आज मेरी बेटी मोहिनी को किडनैप करके आइस फैक्ट्री में बंधक बना लिया है मैम साहब। व्हाट? जब तक एनओसी नहीं देंगे तब तक वो नहीं छोड़ेंगे। मेरी बेटी की रक्षा भगवान ही करेगा। मदद करने के लिए भगवान को नीचे आने की कोई जरूरत नहीं है। फाइल दीजिए। मैं भी एक बच्चे की माँ हूँ, आपके दुख को समझ सकती हूँ, लेकिन हमारी पहली प्रायोरिटी रिलेशनशिप नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप जाइए। सेठ, हाँ? मेरी बात मानो, आपको डरा दिया मतलब उसके बाद कोई भी ऑफिसर हो उसको डरना ही होगा। एनओसी आ जाएगा, डीसीएमएल तैयार कर, माल भेज देते हैं, क्या बोलते हो? रहेगा। क्यों ऑफिसर, एनओसी लेकर आ गए क्या? क्या अपनी बेटी को यहां से जिंदा नहीं ले जाना चाहता? आखिर तुझमें इतनी हिम्मत आ कहां से गई? हाँ
वो देखो आ गया। बस 10 मिनट और बैठिए सर, 10 मिनट और। गंदे पानी से आइस बना रहा है? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? स्कूल से छूट के बच्चे बर्फ के गोले खाते हैं, पब्लिक को प्यास लगती है तो जूस में, लस्सी में, गन्ने में, हर चीज में तेरे ये गंदे पानी की आइस जाती है। बस बहुत हो गया, लोगों की जान खतरे में मत डाल। 100 करोड़ की जनता में 100 लोग मरते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? बिजनेस ऐसे ही तो आगे बढ़ता है, क्या कर लेगा तू? जो दूसरे की जिंदगी के बारे में ना सोचे उसे जीने का क्या अधिकार है? ए, टपका दो इसे। लड़की कहाँ है बता? बता बता, कहाँ छिपा रखा है लड़की का बता? हाँ कोई चिंता की बात नहीं है, ऐसी मिल जाएगा। हाँ ने मना किया फिर भी धंधा कर रहा है, फोन पे धंधा कर रहा है, चल। इधर ये लो, उठ लो, सब ठीक है, आजा इस तरफ। उनका पीछा करना, उनके साथ जो खेल खेला, माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट, अच्छा था। उसके बाद क्या हुआ? यही है ना? यस यस। ओके मैडम, आपसे मिलने आए हैं। नमस्ते मैडम, मेरा नाम जाफर है, जर्नलिस्ट हूँ। मैं मीडिया से बात नहीं करती। मैं न्यूज के लिए नहीं आया हूँ मैडम, वो तो घिसी पीटी न्यूज है। मैं तो बॉस जो न्यूज सेंस कर रहा है उसके बारे में बताने आया हूँ। बस्सी रेडी। कैसे हो? चलो आ जा। कैसे हो बॉस? ये देखिए, अपने नए स्टाफ से परिचय करवाता हूँ। ये सब हमारे मिलावट वाले एक्सपर्ट हैं। ये ऑल ऑयल्स में मिलावट कर सकता है। ये दाल को ही नहीं, नमक को भी नहीं छोड़ता। ये है इसका टैलेंट। ये पेटू हमारा मसाला एक्सपर्ट है। नमस्ते सर। केले से जिंजर गार्लिक पेस्ट, धूल से मिर्च पाउडर, सफेद पेड़ के बीज से सरसों में मिलावट करते हैं सर। तू किसमें एक्सपर्ट है खुद बता। कपास के बीजों से रिफाइंड ऑयल, मिलावट वाला घी भी बनाता हूँ। ये पपीते के बीजों से जितना खुद काला है उतनी ही काली मिर्च बनाता है। पपीता के बीजों से मिर्ची नहीं, घास से जीरा बनाता हूँ सर। और तो और मसाला पाउडर में सूखे गोबर को मिला देता हूँ, बढ़िया टेस्ट आता है सर। बॉस की फैक्ट्री में सबसे मुख्य है मिल्क फैक्ट्री, करीमनगर, कामारेड्डी, सिद्दीपेट, महबूब नगर, विकाराबाद, युद्ध चढ़ला।
ऐसे शहर के आसपास के विलेजर से दूध खरीदते हैं और दूध से मक्खन हटाकर उस दूध को सिटी में सेल करते हैं। वो भी इकट्ठा किए हुए दूध से चार गुना कैसे बनाते हैं पता है मैडम? कपड़े धोने वाले सर्फ, डालडा, कॉस्टिक सोडा, ग्लूकोज, व्हाइट पेंट, खेतों में इस्तेमाल करने वाले यूरिया को मिलाकर तैयार करते हैं। कुमार, टीम तैयार करो। ओके मैडम। मोहिनी सेफ है ना? आपकी मेहरबानी से आज मेरी बेटी सुरक्षित घर पर पहुंच गई है मैडम। आपने बेटे को जन्म नहीं दिया है मैडम, साक्षात देवता है वो। एनओसी की जरूरत नहीं पड़ी मैडम, फैक्ट्री को सीज कर दिया है। ये चावी लीजिए मैडम। कौन है सर आप? ठीक है सर, जाइए। Stop! Outside not allowed. Hey, मैडम कौन है पता है? Food safety officer. कुमार, introduction की जरूरत नहीं है. Let's do it. मैडम यूरिया, मैडम कास्टिक सोडा, मैडम रवा, ए यहां आकर क्या कर रहे हो समझ में आ रहा है तुम्हें? आप नहीं है, हमारी परंपराओं को नहीं जानती हैं। क्या पूछना है पूछिए। गाड़ी, बंगला, सोना, आपको क्या पसंद है? हमें अपना कर्तव्य पसंद है। I don't like wealth, we like public health। आपके रिकॉर्ड्स मैंने देखे हैं। डेली विलेजर से कलेक्ट किया जाने वाला मिल्क 30,000 लीटर पर डे और डिलीवरी होने वाला मिल्क मोर देन 1,00,000 लीटर पर डे। हाउ इज इट पॉसिबल? आटा, यूरिया, सर्फ, इनको देखकर ही समझ में आ रहा है मैडम, दूध प्रोसेस नहीं कर रहे, तैयार कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर पता चला कि दूध में मिलावट है, अगर दूध में केमिकल हुआ या किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हुई, तो तुम नहीं जानते तुम्हारा क्या होगा। मैडम,
ये दूध पीने के लायक नहीं है, पॉइजन है। इसमें मिलाया हुआ व्हाइट पेंट है, कास्टिक सोडा है एंड मोस्ट डेंजरस खेतों में इस्तेमाल किया जाने वाला यूरिया है। दूध सेहत के लिए अच्छा होता है ये सोचकर लोग उसे पीते हैं, लेकिन तुम जो बेच रहे हो वो दूध नहीं है, पॉइजन है। और जानते हो इसे पीने से क्या होता है? लीवर, किडनी, ब्रेन डैमेज होकर लोग मर जाते हैं। कह दिया ना, नोटिस दे और निकल यहाँ से। चल चल। जोसेफ, इन्हें इम्प्रूवमेंट नोटिस नहीं, इमरजेंसी नोटिस देकर फैक्ट्री को अभी के अभी सील कर दो। ओमर, जरूरत पड़ने पर बिल्ली भी पैंट गीला करवा देती है। भूलना मत, मार्केट में मैं ही बॉस हूँ। जनता भेड़ बकरी होती है, जरूरत पड़ने पर कोई भी घास खा लेती है, लेकिन अगर एक दिन भी हमारा प्रोडक्ट मार्केट में नहीं गया तो नए प्रोडक्ट की आदत पड़ जाएगी उनको। I don't like it. प्लांट मैनेजर है क्या? बांडा। जी हाँ सर। What about milk condition? 0.5% सर। हमारे देश में हाफ लीटर के दूध के पैकेट में पौना लीटर पानी मिलाकर, कॉफी और चाय पीकर बच्चों को हॉर्लिक्स या बूस्ट में मिलाकर देते हैं। बाकी बचे हुए दूध को जमा करके रात को दही जमाते हैं और सुबह उसमें पानी मिलाकर छाछ बनाकर पीते हैं। इतनी बार डाइल्यूट होने के बाद क्या होगा? स्मॉल फिश इन बिग ओशन। साहू, तो प्रोडक्ट मार्केट में बेच दे। भले ही कुछ अधिकारियों का ट्रांसफर क्यों न करना पड़े, एनओसी भिजवा दूंगा। टेक केयर। ओके। ए, गाड़ी में माल लोड करके बैक रोड से भिजवा देते हैं, चल। चल चल चल, जल्दी जल्दी जल्दी, डोर बंद कर दो, जल्दी बंद करो, निकालो निकालो, जल्दी निकालो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी, मूव मूव मूव, जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी जाओ। एक बूंद भी पानी नहीं मिलाया है मैडम, क्योंकि आपको पसंद नहीं आता ना। मेरे लिए मेरे बच्चों का स्वास्थ्य ही अहम है। अच्छे से गर्म किया है ना? हाँ, कर दिया है मैडम। ब्रेकफास्ट करते हैं, सब लाइन में खड़े हो जाओ। निशिका को कुछ हो गया? निशिका, निशिका, दुर्गा, 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 माही, वॉचमैन। हेलो, फूड पॉइजनिंग की वजह से बहुत सारे बच्चे एडमिट हुए हैं, बेड खाली नहीं है।
सर प्लीज सर। हेलो सर, डॉक्टर संता बिजी है सर। टेम्परेचर चेक करते रहना सर। स्लाइन कंटिन्यू रखना। ओके सर। बच्चों को क्या हुआ है डॉक्टर? इट इज अ क्रिटिकल फूड पॉइजनिंग। रात में क्या खिलाया था बच्चों को? रात को रोटी और आलू की सब्जी, मॉर्निंग में मिल्क ब्रेड और बिस्किट्स। सॉरी सर, हॉस्पिटल फुल हो चुका है। फूड पॉइजनिंग वाले बहुत सारे पेशेंट हो गए हैं सर, और भी बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं। इट्स अ मैसिव फूड पॉइजनिंग। हेलो। हेलो सर, मैं डॉक्टर सुशील बोल रहा हूँ। सिचुएशन बहुत ही गंभीर है, मैसिव फूड पॉइजनिंग, बहुत बच्चे मर रहे हैं सर। इट्स नॉन मेडिको, लीगल डेथ। सर अगर आप बॉडी का पोस्टमार्टम करके रिपोर्ट्स भेज देंगे तो बच्चों को सेव करने में बहुत हेल्प मिलेगी सर। आप ऑफिशियली लेटर ड्रॉप करके मेल कीजिए, उसके बाद बॉडी भिजवा दीजिए। आई विल लुक क्विक। थैंक यू सर। इट्स ओके। गाय हमें दूध देती है, उसमें पोषक गुण होते हैं, वो पीना हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। ये हमारी जानकारी में दूध की वास्तविकता है। पर जो सफेद होता है वो सब दूध नहीं होता, उसमें जहर भी हो सकता है, यही वास्तविकता हमें बता रही है। What the rubbish? एक इंसान की 100 साल की आयु होती है, लेकिन एक गिलास दूध से वो चित हो जाते हैं। 23 बच्चों की मौत की वजह बन गया वो मिलावटी दूध, जो जनता की जिंदगी से खेलने वाला वो मिलावटी माफिया। अमोनिया, यूरिया, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, डिटर्जेंट, ऐसे खतरनाक केमिकल पदार्थ बच्चों के शरीर में है, ऐसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चल रहा है। बच्चों की मौत की वजह बॉस ग्रुप से संबंधित वेस्ट लाइफ मिल्क ही है, ये पता चल रहा है। बाकी के बच्चे जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। हम आपको आगे की खबर भी बताते रहेंगे, तब तक के लिए। ब्रांड का इमेज खत्म होने से पहले सबको खरीद लो, वरना इन सबको मार डालो। ग्रुप ऑफ कंपनीज बनाई है तुझ जैसों की लाशों पर। सच उगलने से पहले तेरी समाधि बन जाएगी। ए, कौन हो तुम लोग और अंदर कैसे आ गए? निकलो यहाँ से। ए, छोड़ो उसे। छोड़ो उसे।
उसे कुछ मत करना। आने पर लाश भी गवाही देने के लिए तैयार हो जाती है। अगर मैंने तलवार उठा ली तो गवाह भी लाश बन जाता है। समझ में नहीं आया क्या? तेरी लाश गवाह बनने के भी काम नहीं आएगी। सड़ सड़ के मिट्टी में मिल जाएगा तू। उनका पीछा करना, उनके साथ खेल खेलना, माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट अच्छा था। उसके बाद क्या हुआ? कभी कभी समझदार को जो रास्ता दिखाई नहीं देता, जो ठान लेता है उसे दिख जाता है। समझ में नहीं आया। इसमें ना समझने वाली बात क्या है सर? उसके फैमिली मेंबर्स को किडनैप करके गवाहों को अपने फेवर में करने की सोच रखने वाले बॉस को इसने सबक सिखाया और बॉस ने इसको शौक दिया। अरे रे रे रे, ऐसा कितनी फिल्मों में देखा है सर। अरे तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ मिर्ची, अपना रिव्यू एनालिसिस बंद करेगा। विटनेस के फैमिली मेंबर्स को सेव करने में आप सफल हुए और आपकी मदर भी विटनेस को लाने में सक्सेस हुई, क्या बताओ भाई? भूखे जानवरों से ज्यादा फर्ज निभाने वाला इंसान खतरनाक होता है। मैं और मेरी माँ उस वक्त समझे। कोर्ट का केस सॉल्व होने तक इनमें से कोई भी बाहर नहीं जाना चाहिए। क्या हुआ, पेटीशन फाइल करने वाले नहीं आए? Your Honor, पिटीशन फाइल करने वाले नहीं आए, गवाह भी नहीं आए हैं। Your Honor, I think they are on the way. बस 5 मिनट का समय दीजिए, वो आ रहे हैं। 5 मिनट ही नहीं, 5 दिन भी वक्त दे देंगे तो भी वो नहीं आएंगे। They are corrupted. इस बैंक स्टेटमेंट पर नजर डालिए। राइट करके धमकाना, पैसों की डिमांड करना उनकी फितरत है। जैसा पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने आरोप लगाया था, मेरे क्लाइंट्स दूध तैयार नहीं करते, किसानों से दूध इकट्ठा करके उसे प्रोसेस करके सप्लाई करते हैं। दैट्स ऑल योर ऑनर। जज साहब। लाखों किसानों को खेती का अवसर और हजारों बेरोजगारों को रोजगार दिया है मैंने। गवर्नमेंट को टैक्स भरता हूँ। नंबर 1 एंटरप्रेन्योर के तौर पर बॉस ग्रुप है। सीज की हुई फैक्ट्रीज को रीओपन नहीं करेंगे तो भूख से मर रहे किसान और मजदूर अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाएंगे और ऐसी स्थिति में वो आत्महत्या करेंगे सर। वो आत्महत्या या फिर भूख से नहीं, तुम जो मिलावटी खाना उन्हें बेचकर खिला रहे हो उसे खा के मर जाएंगे। Who are you? तुम्हें जो भी कहना है यहाँ कटघरे में आकर कहो।
नमस्कार सर, मेरा नाम शंकर है। पटिशनर निर्मला शर्मा मेरी माँ है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। परिवार को सिर्फ तनख्वाह मिलती है, लेकिन वो अपनी जिंदगी देश के लिए समर्पित करके काम करती है। उनके 25 साल के ट्रैक रिकॉर्ड में आज तक एक भी कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई। और अकेली मेरी माँ ही नहीं, इस केस में इन्वॉल्व कुमार, वेनाजाक्षी, डॉक्टर सुशील, ये सभी सच्चे लोग हैं सर। आप बस एक मौका दीजिए सर, वो जहां भी होंगे उन्हें मैं लेकर आऊंगा। समय देने के बाद भी अगर आप उन्हें नहीं लाए तो कोर्ट का समय जाया करने के जुर्म में आपको सजा हो सकती है, पता है ना? हाँ ठीक है सर। सेल्फ डिक्लेरेशन लीजिए, द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर 2 डेज। गुड लक शंकर, चलता हूँ। ए अजय सुन, तू अगर थोड़ी हेल्प करेगा ना तो माँ कहाँ है पता चल जाएगा। हाँ है पता नहीं है यार, पर कौन लेकर गया ये सभी को पता है। बॉस का सामना करने की हिम्मत डिपार्टमेंट में नहीं है। मुझे इसका डिपार्टमेंट से कोई उम्मीद भी नहीं है, लेकिन अगर मेरी हिम्मत की बात करें तो वो केवल मेरी माँ से ही है। माँ के लिए बॉस का क्या, उसके बाप का भी सामना करूंगा। एक काम कर, माँ का फोन ट्रैक करके बता, मेरा भाई होने के नाते पता लगा प्लीज। ओके यार, मैं देख लूंगा। राजू इस नंबर को ट्रेस करो। लोकेशन ट्रेस हो रहा है, मेन रोड से टर्न लो। ठीक है, बस उनकी लोकेशन बताता रहे। स्ट्रेट जाओ। राइट राइट राइट। हाँ ठीक है। टर्न टर्न टर्न। हाँ पास में ही है। हाँ। लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, इमीडिएट लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट ले लिया। हाँ पास में ही है। हाँ हाँ, यू टर्न ले, यू टर्न, यू टर्न लो। हाँ ठीक है, ले लिया। आगे जो राइट आएगा उसमें राइट लेगा। फर्स्ट लेफ्ट चले जाना। टर्न टर्न टर्न, पास में ही है, जस्ट 100 मीटर्स। फास्ट लोकेशन, लेफ्ट साइड ट्रेस हो रहा है, जस्ट 100 मीटर्स। करेक्ट, 60 मीटर अवे। सिग्नल वही का दिखाई दे रहा है, चेक करो। ये तो मेरा ही घर है। व्हाट? जब तक माँ है हम रहेंगे, पर जब तक हम रहेंगे माँ नहीं रहेगी। हमारा ख्याल रखने वाली माँ का ध्यान हमें अच्छे से रखना चाहिए। प्रॉमिस। चल उतार उतार उतार, चल जल्दी। ए आ, ए चलना, चल चल चल, ए चल चलना, चल चल। चल चल ए चल चल, ए चल रे, जल्दी कर। अरे चलना, पैर में मेहंदी लगी है क्या? चलने के लिए कह रहा हूँ ना। ए, ये सब लोग हमारे मेहमान हैं, ध्यान रखना, कोई भी कदम अगर बाहर निकाले तो काट डालना। Thank you.
क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? चल खाना खा ले, चल ले आकर। माँ, माँ, शंकर, सोचा था तुम गुस्से में ही बहुत अच्छे लगते हो, पर तुम्हारे गुस्से के पीछे एक बहुत ही अच्छा इंसान छिपा है जो चाहता है कि सबका भला हो। मैं अभी अभी मंदिर जाकर आ रही हूँ, हनुमान जी का टीका लगा देती हूँ तुम्हें। जो सबके साथ न्याय करता हो उसके साथ अन्याय हो ही नहीं सकता। नहीं, अन्याय करने वाला भगवान नहीं गंगा, बॉस है। शंकर, बताइए क्या हुआ? मेरे पति दो दिन से घर नहीं आए हैं, फोन भी किया तो स्विच ऑफ आ रहा है। घर वालों के खिलाफ जाकर हमने लव मैरिज की थी, उनके लिए मैं उनका परिवार हूँ और मेरे लिए वो भैया, उनके अलावा मेरा कोई नहीं है। 10 दिन के बाद डिलीवरी की डेट है। सभी कहते हैं जिसने भी बॉस से पंगा लिया वो जिंदा नहीं बचा। जब ये दुनिया में आएगा तो मैं इससे क्या कहूँगी कि इसके पिता कौन है? आपने मुझे बहन कहा था ना, आपको मेरे सर की कसम है भैया, प्लीज उन्हें ढूंढ कर ले आइए, ले आइए ना। अगर सामने बॉस ही नहीं यमराज भी आ गया ना, तो उसका भी सामना करके तुम्हारे पति को लाऊंगा। चिंता मत करो, तुम्हारा बच्चा जन्म लेगा तो सबसे पहले पिता को देखेगा। ठीक है भैया। गंगा, लगता है ऊपर वाले ने तुम्हारी सुन ली है। मतलब वो? वो हमारी जीत का लहराता हुआ झंडा है गंगा, बस पता लगाना है वो आया कहाँ से। ए, कुछ भी हो जाए तू इनका ख्याल रख, मैं जा रहा हूँ गंगा। रेडी, ये हमारे डीलर्स हैं, हम कोर्ट में केस जीतेंगे या नहीं इस बात से डर रहे हैं, क्या करें? बॉस नेवर बैड, वो भले ही ऐसे 100 केस कर दे लेकिन कभी जीत नहीं सकते। वो अभी डायरेक्ट कब्रिस्तान जाएंगे, बॉस से पंगा लेने वाला अब तक जिंदा नहीं बचा। उनके बारे में छोड़ दो, पार्टी में एंजॉय करो। okay, चलो भाई, पार्टी एंजॉय करते हैं। चलो अरे ओ रेड्डी, तूने क्या कहा था कि मेरा बेटा नहीं आ सकता? देख ले ये आ गया। मैं न्याय से जीतना चाहती हूँ, लेकिन अगर तेरी नजर में खून खराबा ही समस्या का हल है तो ये अभी तुम्हारा सफाया कर देगा। बताओ कोर्ट में फैसला करे या यहीं पर, चॉइस इज योर्स।
तुम्हारे पिताजी एक्सीडेंट में नहीं मरे थे, इसी तरह जल्दबाजी कर रहे थे, इसी ने उन्हें मारा था। अब तेरी माँ को भी मैं मार डालूंगा। ए, मार डालो। इनमें से एक भी कोर्ट नहीं पहुंचना चाहिए। Yes. What is this, Murthy? Petitioner is absent और witnesses भी नहीं आए हैं। Your Honor, petitioner के साथ साथ गवाह भी नहीं आए हैं। उन्हें लेकर आऊंगा कहने वाले self declaration देने वाला शंकर भी अब तक नहीं आया। और सब लोग कहाँ हैं? माँ बाहर है। देखो। मैं ठीक हूँ पापा। वो बॉस निर्मला नहीं चाहिए। निर्मला आप, जल्दी आओ। जाओ बेटी जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, आ जाओ, चलो। योर ऑनर गवाह आ गए। तुम लोग गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो, कोर्ट में आने का यही तरीका है क्या? जज साहब, आज अगर मेरा बेटा मुझे बचाने वहां नहीं आता तो हम सब जिंदा नहीं होते। आपको जो भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। नमस्ते सर, योना, मैं फूड कॉरपोरेशन ऑफिसर निर्मला शर्मा हूँ। Thank you.
नमस्ते सर, मैं फूड कॉर्पोरेशन में काम करता हूँ सर। नमस्ते सर, मैं आंगनवाड़ी में टीचर हूँ, मेरा नाम झांसी है। उस दिन बेस्ट लाइफ कंपनी का दूध हमने बच्चों को पिलाया। सिटी के हर आंगनवाड़ी केंद्र में बेस्ट लाइफ कंपनी का दूध ही सप्लाई होता है सर। नमस्ते सर, मेरा नाम डॉक्टर सुशील कुमार है। हमारे क्लाइंट्स कहाँ हैं? आए नहीं क्या? सर वो आ रहे हैं। वो नहीं आएंगे सर। आपको जो भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। उन्हें फांसी देंगे क्या सर? कैसी बातें कर रहे हैं आप? हर एक अपराध की सजा फांसी नहीं हो सकती। लड़की के साथ अत्याचार होता है तो एक परिवार के साथ अन्याय होता है, इसलिए मौत की सजा सुनाते हैं ना सर। वो वासना को मिटाने के लिए लड़कियों पर अत्याचार करते हैं और ये मिलावट करके समाज पर अत्याचार कर रहे हैं सर। सुबह उठकर हमारी दिन की शुरुआत करने वाला दूध, चाय से लेकर दूध, दही, घी, शहद, हल्दी, चावल, चीनी, तुअर की दाल, सरसों, मिर्च, काली मिर्च, धनिया, जीरा, राई और इसके अलावा मटन, चिकन, गरम मसाला और यहाँ तक कि सर टेस्ट के लिए सब्जी में डाले जाने वाले नमक में भी मिलावट है। फलों में कार्बाइड और सब्जियों में पेस्टिसाइड है सर। खाने वाले खाने में रंग, स्वाद, खुशबू के लिए तरह तरह के केमिकल्स मिला रहे हैं सर। तो अब इंसान जिएगा कैसे सर? अन्याय एक या दो इंसान पर नहीं हो रहा है सर। डायबिटिक, कैंसर, पैरालिसिस, किडनी डैमेज के साथ मौत के करीब जाने वाले कुछ लाखों लोग हैं सर। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए कानून को हाथ में लेना कोई गलत नहीं है सर। मार डालेगा क्या रे? मार डालेगा तो क्या मिलेगा बता, क्या चाहिए बता। ऐसे मिलावट करने वालों को जीने का हक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। Yeah.
तो स्लो पॉइजन देने वालों को मैंने फांसी पर चढ़ा दिया। कुछ गलत किया तो मुझे भी फांसी पर चढ़ा दीजिए। वो पेन नहीं चलेगा सर, क्योंकि उस पेन में डले हुए एक रुपए के इंक में भी मिलावट है। हमारी व्यवस्था का यही तो दुर्भाग्य है सर। इन लोगों के साथ मिलकर मिलावट करके व्यापार करना न्याय नहीं बल्कि समाज का कलंक है। शंकर के साथ साथ सत्यवर्धन को भी जुडिशियल कस्टडी में भेजने का आदेश देता हूं। नाउ द कोर्ट इज एडजर्न्ड। मुझे ज्यादा से ज्यादा 6 महीने की सजा होगी, लेकिन जेल में खाली नहीं बैठूंगा। सोच रहा है क्या? हर पल सोचता रहूंगा, मिलावटी गैंग तैयार करता रहूंगा। बॉस नेवर डाई। मार डालूंगा। गलती कर दी। तजुर्बे से ज्यादा समझदार इंसान खतरनाक होता है। उस लॉयर को भी मार देना चाहिए था। ओके ओके स्टोरी। सर लॉयर मर गया। काम हो गया? हो गया सर। माँ का ख्याल रखना। मैं ध्यान रखूंगा। ये सब क्लियर करो। लॉयर का एनकाउंटर किया है, इसकी रिपोर्ट तैयार करो और मेरे टेबल पर रख दो, ठीक है? चलो। युद्ध शुरू करने वाला हर एक इंसान विजेता नहीं बन पाया। युद्ध कैसे लड़ना चाहिए ये जानने वाला असली विजेता होता है। He is our hero. मिर्ची, इसकी कहानी ही हमारी फिल्म है। फिक्स। He fought for the society. सच बात है, पर ये भी तो क्रिमिनल है ना, इसे हम अपना हीरो कैसे बताएंगे सर? मरने वाले जब राक्षस होते हैं तो मारने वाला कोई भगवान ही होता है। रामायण काल से लेकर राजा मौली की रमना मोगली तक यही ट्रेंडिंग स्टोरी है। मिर्ची, इसी की कहानी हमारी अगली फिल्म है, धर्मस्थली।